गाइस क्या होगा अगर हमारे यहाँ पर इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर से यहाँ पर पानी पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये सामने जो आपको तालाब दिख रहा है पानी का, ये सूख जाए एंड साथ ही इस वाली सिटी के आसपास जितने भी समुद्र है ना, उसका पानी सूख जाए या विलुप्त जाए, तो फिर इस वाली सिटी का क्या होगा? क्या आपने ये वाली बात कभी सोची अपने दिमाग में? पानी के साथ साथ यहाँ पर इस वाली सिटी का सभी खाना समाप्त हो जाए, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचे, तो फिर इस वाली सिटी का क्या होगा? क्या आपने कभी ये बात सोची अपने दिमाग के? अभी यहाँ पर रिसेंटली में 2023 चल रहा है, बट 2080 के आते आते इस वाली सिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले, ये बात कभी आपने सोची अपने दिमाग में बैठा ही है क्या? तो आज हम देखने वाले इस वाले वीडियो के अंदर की 2080 के अंदर इस वाले करेक्टर की एंड इस वाले घर की एंड इस वाली सिटी की क्या हालत होने वाली है। मैंने यहाँ पर रोहित भाई से बात कर ली एंड रोहित भाई ने मुझे कहा कि इस प्रकार से कुछ चेंजेस आ सकते हैं यहाँ पर 2080 के अंदर, तो आज वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर रोहित भाई ने छोटे को फोटोग्राफ भेजी है, तो उनको मैं आपको दिखाऊँ, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं गेम के अंदर फिलहाल एंड सबसे पहले हम देखने वाले कि यहाँ पर हमारी ट्रेन कैसे लगने वाली है यहाँ पर 2080 के अंदर, तो मुझे ट्रेन को देखना पड़ेगा भाई। मैं ट्रेन के पास में आ चुका हूँ एंड मैं ट्रेन के पास में खड़ा होकर यहाँ पर एक फोटो क्लिक करने वाला हूँ, देखने वाले कि 2080 के अंदर हम कैसे लगने वाले, तो आई थिंक तो ये वाला पोज ठीक रहेगा। ओके, ये क्या है यहाँ पर? ओ भाई साहब, ये तो भूतिया लग रहा है पूरा। मुझे लगा कुछ अपग्रेड होगा या फिर कुछ न्यू सिटी बन जाएगी, मेट्रो वेट्रो आएगी, बट ये क्या है भाई? ये तो ऐसा लग रहा है कि भूतिया इलाका बन चुका है एंड ट्रेन की लाइट जल रही है, ट्रेन काफी बदल चुकी है एंड स्काई देखो कितना भाई भूतिया लग रहा है भाई, एंड हमारा करेक्टर यहाँ पर ज़ॉम्बी लग रहा है पूरा भाई, यार क्या है? ओके, ये काफी डरावना था, बट हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ पर मेरी सुप्रा पर, बिकॉज मेरी सबसे फेवरेट कार है यहाँ पर इस वाले गेम के अंदर सुप्रा। यहाँ पर फोन निकालते हैं, डायल करते हैं 2244 जिससे कि सामने आ जाएगी यहाँ पर हमारी सुप्रा, एंड मुझे सुप्रा को देखना पड़ेगा कि 2080 के अंदर यार ये वाली सुप्रा कैसी लगने वाली है, तो फिलहाल देखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर फोटो क्लिक करनी पड़ेगी एंड आई थिंक सो यार ये वाला पोज सही लग रहा है, तो इसको एडिटिंग करते हैं। ओ भाई ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, पीछे ट्रेन देखो ऐसी लग रही है और यार सुप्रा का कलर ब्लैक कैसे हो चुका है एंड मेरे करेक्टर का मुंह आगे हो चुका है, पीछे हो चुका है, ये क्या हो रहा है भाई? यार ये वाला काफी स्क्रीन मेरे को लगा एंड 2080 के अंदर इस प्रकार से हमारा करेक्टर ज़ॉम्बी बन जाएगा, जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा है मुझे भाई। यार ये क्या बना दिया, ज़ॉम्बी बना दिया यार, ये काफी मुझे डेंजर लगा, बट हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ पर ये वाला फिल्टर यहाँ पर डायनासोर के ऊपर कि 2080 के अंदर यार ये डायनासोर किस प्रकार से दिखने लगेंगे हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर। तो जल्दी से फोन निकालते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर एक डायनासोर को बुलाते हैं, देखते हैं कि 2080 के अंदर डायनासोर कैसे लगने वाले हैं भाई। ओके, सिंपली डायल करते हैं यहाँ पर 505 सामने यार ये वाला वेलोरेंट आ जाएगा। अब हम फोटो क्लिक करने वाले हैं, फोटो कहाँ से क्लिक करूं मैं? अबे रुक जा, फोटो किधर से क्लिक करेंगे? आई थिंक सो ये वाला पोज ठीक रहेगा, तो यहाँ से फोटो खींचते हैं। ये देखो भाई, ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला डायनासोर हमारा ज़ॉम्बी बन चुका है एंड हम भी ज़ॉम्बी है एंड मेरे करेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा करेक्टर यहाँ पर 50 दिन से नया नहीं है भाई एंड पिक्चर भाई कितना खतरनाक व्यू आ रहा है भाई, इसका ही कितना डेंजर लग रहा है भाई, मतलब 2080 के अंदर भाई यहाँ पर बहुत ही खतरनाक परले आने वाली है एंड खतरनाक विनाश होने वाला है भाई, खतरनाक। ओके, मैंने यहाँ पर सब कुछ ट्राई कर लिया, बट मैंने एक चीज पे ट्राई नहीं किया एंड वो है मेरा प्यारा हाउस, यानी हाउस को भी ट्राई करने वाले इस वाले फिल्टर को देखते कि 2080 के अंदर हमारा हाउस कैसा लगने वाला है। तो हम चलने वाले हैं यहाँ पर हाउस के पास में, वहां से फोटो क्लिक करते हैं, देखते कि भाई 2080 के अंदर हमारा हाउस किस प्रकार से लगेगा। तो मैंने अपने सुप्रा को यहाँ पर खड़ा कर दिया एंड ये रहा मेरा हाउस एंड मुझे यहाँ पर फोटो क्लिक करनी पड़ेगी, तो मुझे आराम से फोटो क्लिक करनी है ताकि अच्छे से मेरा हाउस का व्यू आए पूरा। तो मुझे यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा एंड यहाँ पर खड़ा होकर ये देखो भाई, ओ शूट भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई भूतिया खंडर बना दिया हमारे घर को यार, क्या क्या है मतलब यार भाई, यार ये वाला हाउस में हाउस कम लग रहा है बल्कि भूतिया खंडर हवेली लग रही है, जो देखने में काफी क्रीपी है भाई। यार ये क्या बना दिया भाई, कितना डरावना दृश्य हो रहा है ना 2080 के अंदर भाई, मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा ही होने वाला है, ठीक है एक अपडेट आएगा उसके अंदर ऐसा ही होने वाला है, सेम टू सेम भाई खतरनाक है। ओके, मैंने यहाँ पर सब कुछ ट्राई कर लिया बट यार सामने वाला व्यू मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, तो इस वाले व्यू पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि 2080 के अंदर ये वाला व्यू कैसा लगने वाला है। ओके, मैंने क्लिक किया एंड ये क्या है यहाँ पर भाई साहब, ओ भाई साहब ग्राफिक्स देखो इतने हाई लग रहे हैं एंड साथ साथ हमारा करेक्टर ऐसा लग रहा है कि ज़ॉम्बी बन चुका है, वो तो लग ही रहा है ठीक है, बट ऊपर देखो स्काई किस प्रकार से लग रहा है एंड भाई ये खजूर के पेड़ इतने स्केरी लग रहे हैं ना भाई, वो भाई बिल्डिंग्स कितनी खतरनाक लग रही है भाई, यार ये काफी क्रीपी था गाइस, ठीक है सबसे क्रीपी मुझे यही लगा यार। ओके, हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सबको ट्राई कर लिया बट हमने एक चीज ट्राई नहीं किया, वो है यहाँ पर एनपीसी किस प्रकार से लगने वाले हैं यहाँ पर 2080 के अंदर, तो इस वाले एनपीसी की फोटो लेने वाला हूँ। अबे रुक जा साले, कहाँ पे जा रहा है रुक? ओके यार इसको रुकाना पड़ेगा भाई, ये पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, इसकी फोटो क्लिक करनी है कैसे करके, अबे फोटो क्लिक करने दे भाई यार, मुझे देखना है कि 2080 के अंदर कैसा लगने वाला है। ओके यार ये कहाँ पे जा रहा है? ओके ये सही रहेगा, ओके ये फोटो खींचा, ये फोटो ठीक है। ओ भाई ये क्या लग रहा है मुझे यहाँ पर भाई, ऐसा लग रहा है कि यार ये एनपीसी यहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुका है एंड साथ साथ मैं भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़ॉम्बी लग रहा हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि यार भुखमरी एंड पानी की कमी की वजह से यहाँ पर सिटी के अंदर सभी बंदे 2080 के अंदर ज़ॉम्बी बनने वाले हैं भाई, जो कि काफी ज्यादा डेंजर लग रहा है मुझे। अरे यार ये वाला एनपीसी का चेहरा देखो एंड इसके चेस्ट के ऊपर भाई बहुत सारे खून के धब्बे लगे हुए हैं, जिससे लग रहा है कि ज़ॉम्बी है भाई, ठीक है। एंड हमारा करेक्टर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़ॉम्बी टाइप का लग रहा है। ओके यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की सबसे खतरनाक बाइक है यहाँ पर गोस्ट बाइक, एंड देखने वाले कि यार गोस्ट बाइक यहाँ पर 2080 के अंदर कैसे लगने वाली है। आ चुके हैं यहाँ पर, सिंपली मुझे इसके ऊपर बैठना पड़ेगा एंड मुझे फोटो क्लिक करनी है बस। ओके इस प्रकार से फोटो क्लिक करते हैं एंड क्लिक करते हैं यहाँ पर, बूम। ओ ये क्या भाई, ओके 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 ओके, यहाँ पर हमारा करेक्टर ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है। एंड यार ये गोस्ट बाइक का चेहरा कैसा लग रहा है, ऐसे ऐसा लग रहा है कि रियल इंसान की मुंडी से बनाई गई है भाई। यार ये तो काफी डरावना है गाइस, इस वाली वीडियो का सबसे खतरनाक इमेज यही लग रहा है मुझे भाई, जो कि दिखने में भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि कपड़े की गाड़ी है भाई, ये कोई गोस्ट बाइक नहीं लग रही है मुझे, ये कोई कपड़े उपड़े की एंड हड्डी को गाड़ी बनाएगी भाई, ये क्या है भाई, काफी तगड़ी गाड़ी है यार। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर सब कुछ ट्राई कर लिया बट सामने यहाँ पर एक गाड़ी जा रही है एंड इसी गाड़ी की फोटो क्लिक करने वाले हैं, देखने वाले की 2080 के अंदर ये वाली गाड़ी कैसी लगने वाली है। तो सिंपली यहाँ पर इसको इस प्रकार से क्लिक करते हैं इसकी फोटो एंड ये बूम गाइस, ये देखो भाई, ओ भाई साहब 2080 के अंदर इस प्रकार से व्यू आने वाला है। एंड यार एक गाड़ी सीधी खड़ी थी बट गाड़ी ऐसे लग रही है उल्टी खड़ी हुई है और भाई कितना खतरनाक व्यू आ रहा है भाई, ऐसा डेडली व्यू है, ऐसा लग रहा है कि भाई दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, दुनिया के अंदर भुखमरी फैल चुके, इंसान मर चुके हैं, काफी डेंजर लग रहा है ये वाला लुक तो यार भाई सा खतरनाक है भाई यार ये। ओके मैं होप करता हूँ कि यार ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड पास में आएगा बगल में आएगा बेल आइकन उसको कर देना ऑल पे सेलेक्ट, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड अगर इस वाली वीडियो को आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट कर देना, इस वाली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा एंड तब तक के लिए गुड बाय।